जनाब मौलाना अकबर चित्राली साहब शुक्रिया जनाब स्पीकर जनाब इस्पीकर कल रात को साढ़े ग्यारह बजे आई एम एफ के दो मेहमान आए थे पाकिस्तानी आवाम को गुलदस्ता पेश करने के लिए और दोनों को मैं जानता हूँ एक का नाम मफ्ताह इसमाइल है दूसरे का नामि जावेद लतीफ़ है तहफे तो गुलदस्ता तो शायद आवाम को मिल चुका है कराची से लेकर चित्राल तक लेकिन उनका पैगाम था वो पैगाम ये था कि पंद्रह तारीख़ रात बारह बजे के बाद पेट्रोलियम मसनवात को इस्तेमाल करने के बजाय उसको पाकिस्तानी आवाम उनको सूखना चाहिए ताकि उसकी खुशबू से दिमाग मुआतर रहे और ज़िंदगी खुशगवार गुजरे अगर पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो इससे फिजाई आलूगी पैदा होगी लिहाजा उनका एक मशवरा था और उस मशवरे को कौम के सामने में पेश करना चाहता था जनाब स्पीकर जब हम यहाँ थे आप इसी सीट पर तश्रीफ़ फरमा थे और जनाब वजे अजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन दो फुट इस तरफ अपोजिशन की तरफ इस सीट पर तश्रीफ़ फरमा थे गुज्त साल जब बजट पेश हुआ तो जनाब वजीर अजम साहब इस वक्त वजीम उस वक्त अपोज़िशन लीडर थे उनकी तकरीर आप उठा कर देख लें कि जो दर्द अवाम का जो दर्द उनके सीने में था आपके सीने में था यहाँ बैठने वाले जितने भी हमारे आजकल के सरकारी बेंचों में बैठे हुए मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग मेरे भाई उन सब के दिलों में वो दर्द अवाम का दर्द वो दर्द से लबरेज थे आप भी लबरेज थे लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इसी कुर्सी से वहाँ जाकर और उसी कुर्सी से वहाँ जाकर दो फुट के फासले में मसाफत तय करने के बाद वो जज्बा क्यों खत्म हो गई क्या इन बेंजों में बे कोई ऐसे कीड़े हैं जो जज्बाती हैं और वहाँ वो तरबियत याफ्ता हैं जब वहां जाते हैं वह कीड़े जो है बिल्कुल आराम से सुकून से बैठ जाते हैं जनाब स्पीकर ये जो कुछ हो रहा है ये किसके कहने पर हो रहा है जनाब पाकिस्तान के लिए नहीं और आप खुद फरमा रहे हैं बल्कि सबक वज़ीर आजम ने यह कहा था कि आई एम एफ जाना खुदकुशी से मुतरद होगा बे आई एम एफ दे जाऊंगा लेकिन खुदकुशी कर लूंगा उन्होंने तो खुदकुशी कर ली आई एम एफ चला गया और आप लोगों ने उसी तसलसल को बरकरार रखा जनाब स्पीकर अगर आप इतने मुश्किल फैसले आवाम के लिए करते पॉइंट आ गया, आपका आपका आवाम का दर्द आज हमारे दिलों में होता तो आपने अवाम को नचोड़ के रख दिया नचोड़ के खुदा की कसम नचोड़ के रख दिया है जनाब का पॉइंट आ गया मेरा पॉइंट आ गया है लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूं वो ये, वो ये कि उस दिन भी मैंने कहा था आज भी मैं कह रहा हूं कि उस दिन मैंने सिर्फ ये तजवीज दी थी कि कब्र खुदाई के लिए पैसे रखें आज मैं इस इसमें एक इजाफा करता हूं कि कफन दफन के लिए भी कुछ पैसे इजाफे, इजाफे उस उसमें रखें शुक्रिया जनाब इस